जिसको बाद में बप्पा रावल ने अफगानिस्तान से ढूंढकर उसके बिल से उसको निकाल कर काल के गाल में डाल दिया था। और ये बात मैं नहीं, ब्रिटिश अभिलेख और ब्रिटिश के लेखक कर्नल टोड और राजस्थान के निकले कुछ शिलालेख चीख चीख कर बयान कर रहे हैं। भारत के इतिहास के पन्नों को यदि हम पलटें तो इतिहास के अंतरकोश से हमें कुछ ऐसे वीरों का परिचय होगा जिन्होंने ना सिर्फ अरबी आक्रमणकारियों से युद्ध किया है बल्कि उनको खदेड़ा है और उनके घर में घुसकर मारा भी है। आज हम भारत के असली इतिहास के एक हीरो बप्पा रावल की जीवनी पर चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि इतिहास ने भी उनको एक नाम दिया, महावीर काल भोज। वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार इस वीर ने ईरान, तुरान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ताजजिंद को फतह करके अखंड भारत का निर्माण कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, आपका एक लाइक हमारी टीम को ऊर्जा देता है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और भारत के इतिहास को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे से भी भारत के असली इतिहास के वीडियोस मिलते रहें। मित्रों, ये वीडियो ऑन डिमांड एक मित्र मिस्टर दीपक कुमार शुक्ला जो NIIT जम्मू के स्टूडेंट्स हैं उनके डिमांड पर बनाया जा रहा है। यदि आपको भी किसी इतिहास के वीर पर चर्चा करनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने डिमांड्स के बारे में लिख सकते हैं। बप्पा रावल का जन्म सन 700 ईस्वी के आसपास हुआ था। उस वक्त मेवाड़ पर मौर्य वंश के राजा मानमोरी का शासन हुआ करता था। मानमोरी बहुत ही निष्क्रिय राजा थे और उस वक्त के चारों तरफ से आक्रांताओं ने भारत पर अपनी पैनी नज़र बना रखी थी। मानमोरी की निष्क्रियता लगातार भारत को कमजोर करती जा रही थी और इसके अखंडता पर खतरा बनती जा रही थी। उस वक्त मानमोरी राष्ट्र चिंतन को ना करते हुए बल्कि अपने व्यक्तिगत चिंतन में जुटे हुए थे। इस चीज़ को देखकर बप्पा रावल का मन बहुत ही खिन्न था। अतः 20 साल की उम्र में उन्होंने मानमोरी के किले मेवाड़ पर आक्रमण कर उसको जीत लिया। 739 ईस्वी में बप्पा रावल ने मानमोरी को पराजित करके वहां से गुहिल राजपूत वंश की स्थापना कर दी। बप्पा रावल को ही गुहिल राजपूत वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किले को कब्जा करने के बाद बप्पा रावल तप हेतु जंगल गए। वहां पर उनको एक ऋषि हरित से मुलाकात हुई। ऋषि हरित का वर्णन आपको आयुर्वेद के बुक्स में लगातार मिलेगा। इनका नाम हरित, छारपाणी, अग्निवेश, जत्रुकर्ण और पराशर के साथ लगातार आपको आयुर्वेदिक किताबों में मिलेगा, जिसमें चरक संहिता, अष्टांग हृदय, शुश्रुष संहिता, हरि संहिता आदि सम्मिलित हैं। ऋषि हरित ने बप्पा रावल को देखते ही कहा कि मैं ऐसे ही योद्धा का इंतजार सदियों से कर रहा था। और कहा जाता है कि ऋषि हरित के आयुर्वेद के प्रयोग से बप्पा रावल का शरीर वज्र का हो गया था। महर्षि हरित ने बप्पा रावल को एक आदेश भी दिया और उन्होंने कहा कि हे रावल, जा करके अपने राज्य में एक लिंग महाराज की स्थापना करो जिससे आपका राज्य बड़ी ही आसानी से चलेगा। बप्पा रावल ने हरित की बात को मानकर तुरंत जाकर अपने राज्य में एक लिंग महाराज की एक मंदिर बनाई और खुद को राज का दीवान घोषित कर दिया। बप्पा रावल का मानना था कि उस राज्य की रक्षा स्वयं वहां के राजा महाराज भगवान एक लिंग ही कर रहे हैं और मैं सिर्फ राज्य का दीवान मात्र हूँ। अब सन 735 ईस्वी में भारत पर पहला हमला हज्जात ने किया। इस हमले के जवाब में बप्पा रावल ने हज्जात की सेना को उसके राज्य तक खदेड़ कर मारा था। हज्जात की पराजय को देखकर अरबी आक्रमणकारियों ने खुद को संगठित किया और एक बड़े लाव लश्कर के साथ राजस्थान के बॉर्डर पर आप धमके। तामीम बिन जैद अल उतबी और जुनैद बिन अब्दुल रहमान अलमुरी की सेना तो दूसरी तरफ नाग भट्ट, विक्रमादित्य द्वितीय, मेवाड़ की सेना जो कि बप्पा रावल की अगुवाई में आगे बढ़ रही थी। इस युद्ध में बप्पा रावल ने तांडव मचा दिया। अरब सेना के परखच्चे उड़ गए। कहा जाता है कि अरब शासक की नींदें हराम हो गई थीं। इतिहास गवाह है कि उस युद्ध में अरबी सेना के घोड़ों को छोड़कर कोई भी सैनिक जिंदा वापस नहीं लौटा। अब हमला करने की बारी बप्पा रावल की थी और सेना का मुख सिंधु की तरफ मोड़ दिया गया था, जहां पर पहले से ही मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा था।
लेकिन बप्पा रावल की सेना और बप्पा रावल के सिंधु में कदम रखते ही मोहम्मद बिन कासिम की सेना रातों रात सिंध से भाग गई थी। वामपंथी इतिहासकारों ने गजनी का बड़ा ही अलंकार किया है, लेकिन बप्पा रावल के सामने आते ही गजनी का श्रृंगार श्रृंगार के रंग की तरह धुल गया था, क्योंकि उस वक्त गजनी का शासक सलीम बप्पा रावल की सेना के सामने आते ही वहां से भागकर अफगानिस्तान में कहीं छुप गया, जिसको बाद में बप्पा रावल ने अफगानिस्तान से ढूंढकर उसके बिल से उसको निकालकर काल के गाल में डाल दिया था। और ये बात मैं नहीं, ब्रिटिश अभिलेख और ब्रिटिश के लेखक कर्नल टोड और राजस्थान के निकले कुछ शिलालेख चीख चीख कर बयान कर रहे हैं, और वो प्रमाण चीख चीख कर दुनिया को यह बता रहे हैं कि भारतीय शिवभक्त ने 700 ईस्वी में किस प्रकार अरबी आक्रमणकारियों की जड़ें उखाड़ कर फेंक दी थी। बप्पा रावल ने अपने जीवन में 100 शादियां की थीं, जिसमें से 35 शादियां युद्ध संधि के दौरान अरबी शासकों की पुत्रियों से की गई थी। बप्पा रावल ने अपने जीवन काल में सोने के सिक्के भी जारी किए थे, जिसमें एक तरफ तलवार तो दूसरी तरफ एक लिंग महाराज की आकृति उकेरी गई है। इन सिक्कों को आज भी आप राजस्थान के लाइब्रेरी में जाकर, राजस्थान के संग्रहालय में जाकर देख सकते हैं। इतिहास में बप्पा रावल को भुला दिया गया, उनके इतिहास को छोटा किया गया, लेकिन आप जानते हैं कि इतिहास खुद के सृजन को लेकर ऐसे प्रमाणों को अपने अंदर समाहित रखता है जो समय आने पर स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। बप्पा रावल महान कालभोज इसी तरह भारत के इतिहास में महान हो गए और अमर हो गए। इसी को चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आज आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।